वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार राष्ट्र का एक उपराष्ट्रपति होगा, उन्हें भारत की राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया जाएगा। जगदीप धनखड़ का जन्म शुरुआती जीवन। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को किठाना गांव झुंझुनू जिला राजस्थान में हुआ था। जगदीप एक जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम चो गोकल चंद एवं माँ का नाम श्रीमती केसरी देवी है और दोनों का निधन हो चुका है। जगदीप के बड़े भाई का नाम कुलदीप धनखड़ है, जिसकी शादी श्रीमती सुचेता से हुई है। जगदीप के परिवार में 4 भाई बहन हैं। उनके छोटे भाई का नाम रणदीप धनखड़ है, जिनकी शादी श्रीमती सरोज से शादी की। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम इंदिरा है और उनकी बहन की शादी श्री धर्मपाल डूडी से हुई है। जगदीप धनखड़ की शिक्षा। जगदीप धनखड़ की प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक सरकारी प्राथमिक विद्यालय किठाना गांव में हुई और उनके बाद कक्षा 6 में उन्होंने 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी मिडिल स्कूल घरधराना में प्रवेश लिया और स्कूल दूर होने के कारण वह गांव के अन्य छात्रों के साथ स्कूल तक पैदल यात्रा करते थे। साल 1962 में उन्होंने सैनिक स्कूल से भी अपनी शिक्षा प्राप्त की। उनके बड़े भाई कुलदीप धनखड़ ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसी स्कूल में दाखिल लिया था। उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज जयपुर में 3 साल के BSc ऑनर्स भौतिकी की पढ़ाई करने के लिए में प्रवेश लिया और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय में LLB पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया और वर्ष 1978-79 में LLB की डिग्री हासिल की। धनखड़ का परिवार। पिता का नाम स्वर्गीय श्री चो गोकलचंद, माता के नाम स्वर्गीय श्रीमती केसरी देवी। भाई यानी ब्रोदर कुलदीप धनखड़ बड़ा भाई है, रणदीप धनखड़ छोटा भाई है। बहन सिस्टर इंदिरा धनखड़ है। पत्नी का नाम सुदेश धनखड़ है। बच्चों के नाम, एक बेटी है कामना धनखड़, दामाद का नाम कार्तिकेय वाजपेयी। जगदीप धनखड़ की पत्नी का नाम सुदेश धनखड़ है, जो वर्ष 1979 में ग्रामीण प्रवेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनस्थली विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। वह श्री होशियार सिंह और श्रीमती की बेटी हैं। श्रीमती सुदेश धनखड़ की सामाजिक कार्य और जैविक खेती, बाल शिक्षा और उत्थान में गहरी रुचि है। वे एक परिवार के रूप में यात्रा करना पसंद करते हैं और एक साथ मालदीव और कई अन्य स्थानों पर गए हैं। जगदीप धनखड़ की एक बेटी है। धनखड़ का कोई बेटा नहीं, उनकी एक बेटी है और उसका नाम कामना है। कामना ने MGD स्कूल जयपुर से पढ़ाई की है और उसके बाद मेयो गर्ल्स अजमेर में संयुक्त अमेरिका में बीवर कॉलेज ऑफ अकाडिया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद UK, इटली और ऑस्ट्रेलिया में समर कोर्स थे। वह अंग्रेजी, हिंदी और इतावली में धारा प्रवाह हैं। इतावली दूतावास नई दिल्ली और फिर इटली में एक संस्था रोम में इटालियन भाषा भी सीखी है। धनखड़ की बेटी कामना की शादी
स्वर्गीय श्री विजय शंकर वाजपेयी एवं आभा वाजपेयी के बेटे कार्तिकेय वाजपेयी से हुई है। कार्तिकेय ने ITC से कैंपस प्लेसमेंट किया था। लगभग 5 वर्षों तक ITC की सेवा करने के बाद कार्तिकेय ने कानूनी पेशे में कदम रखा और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील हैं। कामना और कार्तिकेय को 14 अगस्त 2015 को कविश नामक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त है। वह गुड़गांव के श्रीराम स्कूल में दाखिल हैं। जगदीप धनखड़ की राजनीतिक यात्रा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले वह 1989 से 91 तक राजस्थान के झुंझुनू से सांसद थे। वह जनता दल के सदस्य भी थे। धनखड़ 1993 से 1998 के बीच राजस्थान के किशनगढ़ से विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। साल 1989 में झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साल 1990 में एक संसदीय समिति की अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद साल 1990 में केंद्रीय मंत्री और 1993 से 98 में अजमेर किले में किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। राजस्थान राज्य में जाट समुदाय सहित अन्य पिछड़े वर्गों को OBC का दर्जा देने में शामिल था। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत 20 जुलाई 2019 को श्री जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त करते हुए वारंट जारी किए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री ठोटाथिल बी नायर राधाकृष्ण ने 30 जुलाई 2019 को राजभवन कोलकाता में श्री जगदीप धनखड़ को पद की शपथ दिलाई। लोकसभा और राजस्थान विधानसभा दोनों में वह महत्वपूर्ण समितियों का हिस्सा थे। वह केंद्रीय मंत्री रहते हुए यूरोपीय संसद में एक संसदीय समूह के उप नेता के रूप में एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। तब से उनका CM ममता बनर्जी और TMC के साथ तीखा संबंध है रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस उन्हें पश्चिम बंगाल में भाजपा का एजेंट कहती है, वही भागवा पार्टी उन्हें संविधान का रक्षक कहती है। जगदीप ने कई मुद्दों पर जानकारी देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। दोनों पक्षों के बीच ताज़ा विवाद मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों को वास्तविक प्रमुख बनाने का मुद्दा था। उन्होंने इस फैसले की राज्य सरकार की काफ़ी आलोचना की थी। धनखड़ राज्य सरकार पर राज्य में राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाते रहे हैं और वे समय समय पर ममता बनर्जी पर तीखे हमले करते रहे हैं। थैंक यू। पर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।